वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सिलेबस है MSc का, HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी, पहली यूनिट है। दूसरी यूनिट है नाइट्रोजिनेस। ये दो यूनिट जो हैं ये बायो इनऑर्गेनिक में आती हैं। को एंजाइम केमिस्ट्री, एंजाइम मॉडल्स, बायोटेक्नोलॉजिकल अप्लीकेशन ऑफ एंजाइम, बाकी ये जो तीन यूनिट हैं ये बायो इनऑर्गेनिक का हिस्सा है। स्टैटिकल मैकेनिक्स, मैकेनिज्म ऑफ बायोपॉलीमर्स, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स एंड दियर मॉलिकुलर वेट, ये जो तीन यूनिट हैं ये बायोफिजिकल में आएंगे। तो बेसिकली ये जो पेपर है वो बायो इनऑर्गेनिक, बायो ऑर्गेनिक और बायोफिजिकल का है। तो मैं बायो इनऑर्गेनिक वाला हिस्सा डिस्कस करूँगा। तो बायो इनऑर्गेनिक में जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन बायोलॉजी की बात करें तो इस पर हम चार वीडियो डिस्कस करेंगे। पहला वीडियो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेटलो प्रोटीन्स, दूसरा है साइटोक्रोम पे, तीसरा आयरन सल्फर प्रोटीन पे, और इस चैप्टर पे MCQ। तो आज ये पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाला है वो आपके पास है आयरन सल्फ़र प्रोटीन्स। बेसिकली जो आयरन सल्फ़र जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक तो नॉन हीम प्रोटीन होते हैं। नॉन हीम प्रोटीन में का मतलब हो गया इनमें आयरन एटम तो होता है, दे कंटेन आयरन एज अ सेंट्रल मेटल आयन, आयरन तो होता है लेकिन आपका पोरफायरिन रिंग नहीं होती है, तो इसीलिए ये नॉन हीम प्रोटीन्स होते हैं। दूसरी बात, नॉन हीम प्रोटीन बायोलॉजिकल सिस्टम में कैटलिस्ट की बतौर भी काम करते हैं, जैसे हाइड्रोजिनेज एंजाइम हो गया है। और जो नॉन हीम प्रोटीन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकते हैं, जैसे फेरोडॉक्सिन और रुब्रोडॉक्सिन हो गया है। तो आप बेसिकली आप जब प्रोटीन पढ़ते हैं तो दो तरीके के प्रोटीन आप देखते हैं, हीम कंटेनिंग प्रोटीन, नॉन हीम कंटेनिंग प्रोटीन। नॉन हीम प्रोटीन वो हो गया है जिनमें आयरन आइटम तो है लेकिन पोरफायरिन रिंग नहीं है, वो नॉन हीम प्रोटीन्स हैं। नॉन हीम प्रोटीन्स जो होते हैं दो तरीके से एक्ट करते हैं, वो कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे हाइड्रोजिनेस एंजाइम है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं, जैसे फेरोडॉक्सिन और रुब्रोडॉक्सिन है। तो हमको डिस्कस करना है फेरोडॉक्सिन और रुब्रोडॉक्सिन। अब आयरन एटम जो बॉन्ड होगा सल्फ़र एटम के साथ वो दो तरीके से बॉन्ड हो सकता है, एक इनऑर्गेनिक सल्फाइड या एसिड लेबाइल सल्फ़र भी कहते हैं। ऐसा सल्फ़र एटम जो दो आयरन एटम के बीच में ब्रिज हो जाए उसको हम इनऑर्गेनिक सल्फ़र या एसिड लेबाइल सल्फ़र कहते हैं। और जो सल्फ़र आपका सिस्टीन रेजिड्यू का हिस्सा हो उसको हम इनर सल्फ़र कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे होंगे आयरन सल्फ़र प्रोटीन्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे तो हम दो तरीके के सल्फ़र की बात करने वाले हैं। एक हो गया है आपका इनऑर्गेनिक या एसिड लेबाइल सल्फ़र। अगर इस वाले कंपाउंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे जितने आयरन हैं सब क्या है, सिस्टीन रेजिड्यू का हिस्सा है। कोई भी आयरन ऐसा नहीं, कोई भी सल्फ़र ऐसा नहीं है कि जो दो आयरन एटम के बीच में ब्रिज हो रखा हो। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सल्फ़र कितने हैं, ज़ीरो, जबकि या फिर लेबाइल सल्फ़र कितने हैं, ज़ीरो, एसिड लेबाइल सल्फ़र कितने हैं, ज़ीरो, जबकि आपका सिस्टीन रेजिड्यू के जो हिस्से हैं वो कितने हैं, सल्फ़र जो सिस्टीन रेजिड्यू का हिस्सा वो कितने हैं आपके पास, चार हैं। तो यहाँ पे इनर सल्फ़र कितने हैं आपके, चार इनर सल्फ़र है। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले और रुब्रोडॉक्सिन के बारे में। रुब्रोडॉक्सिन का फॉर्मूला होता है Fe2S0। रुब्रोडॉक्सिन जो होता है सिंपलेस्ट आयरन सल्फ़र प्रोटीन होता है, ये बैक्टीरिया में मिलता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। रुब्रोडॉक्सिन पे आते हैं, सिंपलेस्ट आयरन सल्फ़र प्रोटीन है, बैक्टीरिया में मिलता है, स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है और ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके रुब्रोडॉक्सिन की। रुब्रोडॉक्सिन में आयरन आइटम कितना है, एक,
और सल्फर कितने हैं आपके, सल्फर कितने हैं आपके, 4। लेकिन वो कौन से सल्फर हैं आपके, वो 16 रेजिड्यू के हिस्से वाले सल्फर हैं। अगर आप पूछेंगे यहाँ पे इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 0, क्योंकि इनऑर्गेनिक सल्फर तो वो सल्फर होते हैं जो दो आयरन आइटम के बीच में बाउंड होते हैं या ब्रिज होते हैं। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 0। या एसिड लेवल सल्फर कितने हैं, 0। इनर्ट सल्फर कितने हैं, 4, वो सल्फर जो 16 रेजिड्यू का हिस्सा है। तो ये हो गया है रुब्रोडॉक्सिन। अब आता है हम फेरोडॉक्सिन पे आते हैं। रुब्रोडॉक्सिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है। अब फेरोडॉक्सिन की बात करते हैं अगर हम, तो हम तीन तरीके से फेरोडॉक्सिन पढ़ते हैं, Fe2S2, दूसरा हो गया Fe3S4, तीसरा हो गया Fe4S4। हम तीन तरीके से क्या पढ़ते हैं आपका ये इसको फेरोडॉक्सिन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वाला हम बात कर रहे हैं Fe2S2 टाइप फेरोडॉक्सिन। तो Fe2S2 जो फेरोडॉक्सिन होता है ये प्लांट में मिलता है। इसमें दो आयरन आइटम होते हैं, दो इनऑर्गेनिक सल्फर होते हैं, और आयरन, अगर दोनों आयरन आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया है तो उन दोनों आयरन के बीच में 269 पिकोमीटर की क्या होती है, डिस्टेंस होती है। अभी इसमें बात करते हैं, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन आइटम कितने हैं, Fe2S2 है ना, ये आयरन आइटम कितने हैं आपके पास, 2 आयरन आइटम है। इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 2, क्योंकि 2 ऐसे सल्फर हैं जो 2 आयरन आइटम के बीच क्या हो रखे हैं, ब्रिज हो रखे हैं। और इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 2। या एसिड से लेवाइल सल्फर कितने हैं, 2। अब अगर आप देखेंगे इनर्ट सल्फर कितने हैं आपके पास, 4 है, क्योंकि 4 ऐसे सल्फर है जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, 16 रेजिड्यू के साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं तो आयरन आयरन के बीच की डिस्टेंस 269 पिकोमीटर हो जाती है। अगर आप देखेंगे दोनों आयरन अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो उसको ऑक्सीडाइज फॉर्म कहते हैं, और अगर दोनों आयरन में से एक आयरन आपका +3 में हो, एक +2 में हो, तो इसे रिड्यूस फॉर्म कहते हैं। ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये EPR इनएक्टिव होता है, जबकि रिड्यूस फॉर्म में ये EPR एक्टिव होता है। अगर आप ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करेंगे तो दोनों आयरन D5 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों आयरन D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, स्पिन की वैल्यू 0 हो जाती है, इसीलिए वो EPR क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसके पास स्पिन जनरेट हो जाएगी, जिसके वजह से वो EPR एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज Fe3S4, नेक्स्ट इज Fe3S4 टाइप फेरोडॉक्सिन। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो फाउंड इन नाइट्रोजिनेस एंजाइम एजोबैक्टीरिया, नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम है वो एजोबैक्टीरिया में मिलता है। इसकी क्लस्टर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, 3 आयरन होते हैं और 4 इनऑर्गेनिक सल्फर होते हैं। इसमें नॉन इनऑर्गेनिक सल्फर कितने होते हैं, 3। EPR एक्टिव होता है और सभी सल्फर क्या होते हैं आपके, सभी सल्फर क्या होते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं। बेसिकली ये स्ट्रक्चर तो गलत है। फिर से आएंगे हम Fe4S4 की बात करूं, अगर मैं Fe4S4 टाइप फेरोडॉक्सिन की बात करूं तो इसमें 4 आयरन आइटम हैं, 4 इनऑर्गेनिक सल्फर हैं, 4 ऑर्गेनिक सल्फर हैं, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबेन टाइप स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं Fe3S4 की स्ट्रक्चर और Fe4S4 की स्ट्रक्चर। पहले देखो Fe3S4 की स्ट्रक्चर, Fe3S4 टाइप अगर फेरोडॉक्सिन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एक क्यूब बना हुआ है, क्यूब का आपका एक एक हिस्सा क्या है, छूट रखा है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए था, आयरन होना चाहिए था। तो यहाँ पे अगर आयरन, नंबर ऑफ आयरन आइटम देख रहे हैं आप, 1, 2, 3 हो गया। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको देखो, इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 ऐसे सल्फर हैं कि जो किसके साथ बाउंड हैं, 2 आयरन आइटम के बीच में हैं। तो इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं यहाँ पे, 4, जबकि ऑर्गेनिक सल्फर कितने हैं, 3, क्योंकि 3 ही ऐसे सल्फर हैं जो सिस्टेडीन रेजिड्यू का हिस्सा है। और अगर जब हम Fe4S4 टाइप फेरोडॉक्सिन की बात करते हैं तो ये क्यूबेन टाइप स्ट्रक्चर है, ये क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पे आयरन और सल्फर आइटम है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन आइटम 4 हो गया है। नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर कितने हो गए हैं आपके, 4 हो गए हैं, और नंबर ऑफ एसिड लेवाइल सल्फर भी 4 हो जाएंगे, जबकि आपके इनर सल्फर कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पे मेरा एक टॉपिक ख़त्म हो जाता है, क्या आपका क्या ये आयरन सल्फर प्रोटीन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।